जहां हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि दिनेश विजयन अपनी प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म से नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स में बहुत सी फिल्म से लेकर आने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें से एक फिल्म के लिए वो फर्स्ट टाइम बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी के साथ भी कोलैबोरेट करने वाले हैं। तो इसी रिपोर्ट में आई है एक न्यू अपडेट, जहां ये भी डिसाइड कर लिया गया है कि इस अनअनाउंस्ड फिल्म के डायरेक्टर कौन रहने वाले हैं। दरअसल सोर्सेज की माने तो मेकर्स ने तो इस अपकमिंग एयरफोर्स बेस्ड फिल्म का टाइटल भी डिसाइड कर लिया है, जो कि स्काई फोर्स रहने वाला है। एंड एक और अपडेट ये है कि फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं संदीप केवलानी, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर है, और उन्होंने साथ ही हाल ही में रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म रनवे 34 की स्टोरी एंड डायलॉग्स को भी लिखा है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भोला की भी स्क्रिप्टिंग संदीप ने ही की है, यानी संदीप का स्काई फोर्स से होने वाला है बॉलीवुड में डायरेक्टोरियल डेब्यू। जहां कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स ये थी कि अक्षय ने ऑलरेडी इस अपकमिंग फिल्म के लिए पेपर वर्क डन कर दिया है, तो वहीं अब सोर्सेज की माने तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन सेप्टेम्बर में स्टार्ट कर दी जाएगी एंड फिल्म का शूट नेक्स्ट ईयर जनवरी में बिगिन किया जाएगा। सोर्सेज ने तो ये भी रिवील किया कि स्काई फोर्स अगर मैडॉक प्रोडक्शंस की आज तक की बिगेस्ट फिल्म होगी, तो वहीं अक्षय के भी करियर की ये बिगेस्ट फिल्म टिल डेट रहने वाली है। दिस मूवी विल बी एन एविएशन बेस्ड फिल्म विच विल बी सेट इन द पीरियड टाइम्स रिविजिटिंग एंड सेलिब्रेटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जिसके लिए हामी भरने में अक्षय ने ज्यादा टाइम भी नहीं लिया दिनेश से और जल्द ही उन्हें हाँ कह दी। तो जहाँ फिलहाल अभी फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, वही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म को 2024 में रिलीज किया जाएगा। बट उससे पहले अक्षय हमें इस ईयर नजर आएंगे कॉमेडी ड्रामा फिल्म रक्षा बंधन में 11th of August एंड साथ ही दिखेंगे 24th of October को एक्शन एडवेंचर फिल्म राम सेतु में विद जैकलिन फर्नांडिस एंड नुसरत भरूचा। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज़ स्टे ट्यून्ड टू बूगल बॉलीवुड।